हेलो गाइस, सो दिस इज़ योर बॉय बिन्यामिन अशरफ। तो यार, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टेस्ट सीरीज़। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लो, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बनाया, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए। उस टेस्ट सीरीज़ को करने के बाद एक बहुत ही प्रिसाइज मैनर है मैंने रेडी किया टेस्ट सीरीज़ को, चूँकि वो एक टेस्ट सीरीज़ होगा जो कि आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी का आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो यार, प्रीवियस वीडियो मेरे देख लो अगर नहीं देखे हो तो। बहुत सारे मैंने मेथड बताए हैं आपको किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो साइंस का, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, टेंथ एग्जामिनेशन के लिए, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल साइंस का, और उसके बाद किस तरीके से एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो बोर्ड में हमारे टेस्ट सीरीज़ को लगाने के बाद। उस तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है बोर्ड में। तो भाई, इस वीडियो को देखने से पहले ये जान लो कि आगे का मेथड क्या होगा आपका। टेस्ट सीरीज़ तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लो टेस्ट सीरीज़ को। बट एक मेथड मैं बताने वाला हूँ, जिस मेथड से आप करोगे टेस्ट सीरीज़ को, तो आपका एक जो लिमिटेशन जो मैंने टाइम का वहाँ पे दे रखा है, उस लिमिटेड टाइम में आप कर पाओगे टेस्ट सीरीज़ को। और टेस्ट सीरीज़ हम किस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, उस तरीके से आप देख लो। तो चलो गाइस, यार टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बनाया है ये। मैं हर चैप्टर का मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, हर चैप्टर का आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज दूंगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैं अभी दे रहा हूँ आपको, आगे लाइफ प्रोसेस का, उस तरीके से आगे भी सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, जितना भी ह्यूमन आई जो भी आपका चैप्टर्स है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी का, उसके बाद मैथ्स का भी देंगे, उसके बाद सोशल साइंस का भी देंगे। मींस आपको एक कंप्लीट बोर्ड का पैकेज मिलने वाला है, आप कंप्लीटली प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर बैठे ऑनलाइन। जिस तरीके से आप हमारे लेक्चर को फॉलो करोगे और हम जितने काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप कंप्लीट जो है एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाओगे। ओके, तो यार देखो, टेस्ट सीरीज बनाने से पहले आप ये जान लो टेस्ट सीरीज किस तरीके से डिजाइंड है, किस तरीके से आपको करना है। तो ये क्लास देखो, इसको देख रहे हो, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बना रखा है टेस्ट योर सेल्फ हियर। यहाँ सबसे ऊपर मैंने डाल दिया टेस्ट योर हेल्थ योर सेल्फ हियर, मतलब अपने आप को खुद आप टेस्ट कर सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मैंने डाला यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। ये देखो, ये आपको 5 आवर, एक लिमिटेड टाइम मैंने दे दिया कि आपको 5 आवर में आपको कर लेना है, 5 आवर में आपको कर लेना है। 5 आवर आपके पास इसलिए दिया गया कि ये क्वेश्चन के स्ट्रेंथ के हिसाब से, इस क्वेश्चन का स्ट्रेंथ 5 आवर का ही है, आप 5 आवर्स में कर लें। मैक्स टू मैक्स अगर आप थोड़ा सा कम पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी को, या थोड़ा सा वीक हो इस पोर्शन में, तो मैक्स टू मैक्स आप 1 आवर ले सकते हो एक रिजेंबलेंस के लिए, कि आगे जाके आपका रिजेंबल हो जाए। ओके, बट यार इसको अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, अच्छे से आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, हमारे लेक्चर्स को फॉलो जो कर लो, उस तरीके से किस तरीके से आप फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हो अच्छे मैनर में, बहुत ही ईजिली मेथड को फॉलो करके आप बहुत सारा कवर कर लोगे पार्ट। तो यार ये 5 आवर का क्वेश्चन है, इसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैंने दिया यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद अपना नाम वाम तो तुम लिख ही लोगे यहाँ पे। क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस देखो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बहुत सारे डाले हुए हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस डालने का ये मोटिव है भाई, जब आप इतने क्वेश्चंस को कर लोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से, वो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि आपने हर टाइप के क्वेश्चंस को, इनलेट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। आप जब ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए रेडी हो गए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के चाहे जितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, आप उसको करके आओगे, आई गारंटी यू। ओके, तो देखो 1 से लेकर 27 तक यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 मार्क्स वाले। यार उसके देखो क्वेश्चंस किस तरीके से लगाने हैं आपको। जब आप क्वेश्चन लगाने बैठो ना, तो एक हमारा सजेशन होगा, आप इस क्वेश्चन को प्रिंट करा लो अगर कन्वीनियंस है तो। नहीं है तो यार फिर कोई बात नहीं, आप पीडीएफ देख के ही सॉल्व कर सकते हो, बट आप प्रिंट करा सकते हो, आपके आसपास प्रिंटर वाले हैं तो यार प्रिंट करा लो क्वेश्चन को, एग्जाम वाली एक फील लेने के लिए। चूंकि मैं एग्जाम का ही एक तुम्हारा फील देना चाहता हूँ, ताकि एग्जाम में तुम सारे क्वेश्चन से फैमिलियर हो। जब तुम सारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद एग्जामिनेशन के अंदर तुम जब बैठोगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हारा सारा क्वेश्चन तुम्हारा लगेगा यार तुम एक क्वेश्चन से फैमिलियर हो, पहले भी तुमने सॉल्व कर रखा क्वेश्चन, और तुमने किया ही होगा यहाँ टेस्ट सीरीज में हमारे। तो देखो ये है हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहा है वो उस क्वेश्चन को बना लेना है, बाकी आपसे जो नहीं बन रहा उसका नंबर डाल के वहां पे छोड़ सकते हो तुम।
क्वेश्चंस उतारने नहीं है तुमको, क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली लगाने हैं तुम्हें। उसके बाद आप वन मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये मैक्स टू मैक्स वन टू टू लाइन में आएगा, बहुत से बहुत थ्री लाइन में आएगा। हुए उसके बाद आएंगे हम थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आप जब आओगे तो यहाँ पे देखो थ्री मार्क्स के मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि जो मैंने थ्री मार्क्स के क्वेश्चन डाले हैं वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में फिफ्थ मार्क्स में पूछ लिया जाए। जब वो पाँच मार्क्स में पूछेगा तो आपको घबराना नहीं, इसी आंसर को जो आप लिखेंगे यहाँ पे उसी आंसर को आपको लिख के आना, आपको वहाँ पे पाँच मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो ये देखो 28 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं थ्री मार्क्स के। ओके, 28 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, इसमें वही फॉलो करना है आपको। पहले आपको क्वेश्चंस लगाने शुरू करने हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे बन रहा है, जिसमें आप हेल्दी हो, जिस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बना पा रहे हो उसको पहले बनाना है, जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है वो आपको छोड़ देना है, उसके बाद आप लास्ट में उसको ट्राई करोगे। ओके, अब आते हैं देखो इतने करने के बाद आप आओगे फाइव मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। फाइव मार्क्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आपको, पहले यहाँ पे मैंने आठ क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, इस आठों क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद यार एक बार तुम फील करो कि किस क्वेश्चन को तुम सबसे पहले सॉल्व कर पाओगे और किस क्वेश्चन में तुम्हारा सबसे कम समय लग रहा है। जिस क्वेश्चन में आपका सबसे कम समय लग रहा है उसको आप सबसे पहले करो, आप अगर उसको कर सकते हो तो। क्वेश्चन नंबर देके आपको आंसर लिखने हैं, पॉइंटेड आंसर लिखने हैं आपको। कोशिश ये करना है कि आंसर तुम्हारा पॉइंटेड आंसर हो। यार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर तुम्हारे कॉपी चेक करेंगे सीबीएसई वाले, वो पॉइंटेड आंसर देखो तुम टॉपर्स के भी। ऑसवल का मैंने जो वीडियो डाला है, ऑसवल वीडियो पे जाके तुम देख लेना टॉपर्स के आंसर किस तरीके से होते हैं। वहां पे बताया गया है कि टॉपर्स किस तरीके से आंसर लिखते हैं, जो जिन्होंने 100 में 100 मार्क्स करी है। 100 में 100 मार्क्स करने वाले के पेपर वहां पे मैंने प्रोवाइड करवाया है, वो आप देख लोगे वहां पे, उस वीडियो को देख के, ऑसवल वाले वीडियो को देख के। यार उसके बाद पॉइंटेड आंसर आपको आपने लिख दिया आठों क्वेश्चन का, इतना सारा कुछ करने के बाद आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ये सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद तुम्हें यह करना है कि जो क्वेश्चन तुम्हारा रह गया उसको रहने देना है और जो क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया उसको वहां से निकाल लेना है। और उसके बाद हमारे टेलीग्राम पे आप पीडीएफ बना करके उस क्वेश्चन के आंसर के, जो आंसर आपने करी है उसका पीडीएफ मेरे को टेलीग्राम पे आप सेंड करो। सेंड करने के बाद मैं वहां पे वेरीफाई करवाऊंगा अपने टीम से, वेरीफाई करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कितने मार्क्स आपने गेन करे हैं। ओके, तो यार ये मार्क्स तो आप पता लग ही गया होगा, मार्क्स किस तरीके से आएंगे आपके। वन मार्क्स वाले क्वेश्चन तो वन मार्क्स ही आएंगे वहां पे आपके, थ्री मार्क्स वाले में थ्री मार्क्स आपको मिल जाएगा, फाइव मार्क्स वाले क्वेश्चन आठ है, मतलब आठ पन 40 हो गया ना, 40 नंबर आपका, या आपका पांच मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको टेलीग्राम पे आपने सेंड भी कर दिया, मैंने वहां पे आपको दे भी दिया, बता दिया, जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उसको आपने सेंड कर देना, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हो आप। उसके बाद उस क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश की जाएगी। ओके, चलिए ये तो हमारा टेस्ट सीरीज खत्म हो गया आज का, ये इलेक्ट्रिसिटी का था। इस तरीके से ही मैं ह्यूमन आई लाइट चैप्टर जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और इसके अलावा मैथ्स के भी, सोशल साइंस के भी, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी, आपको सारा टेस्ट सीरीज मिलेगा। हर वीडियो में बनाऊंगा, सारा टेस्ट सीरीज मिलेगा। इस वीडियो को अब करना क्या है आपको, यार इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ, इस देश के हर 10th के बच्चों के पास पहुंचा दो इस वीडियो को, ताकि इस देश का हर बच्चा 95 प्लस स्कोर कर पाए। हमारा मोटिव यही है, इस बार ऑनलाइन पढ़ाई करके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस परसेंटेज स्कोर कैसे कर पाएंगे आप, एक बहुत ही ईस मेथड में, बहुत ईस मेथड को फॉलो करेंगे आप। मैंने बहुत सारे फॉलो बताए हैं किस तरीके से करने हैं आपको, उसको फॉलो करके आप बहुत ही ईस मेथड में आप 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ओके, बहुत सारे बच्चों को मैंने करवाए हैं यार, तो आप हमारे मेथड को फॉलो करें। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।